किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरी आंखों का तारा, मेरे जिगर का टुकड़ा, घर का इकलौता कमाने वाला था, लेकिन आज मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई। यह दर्द बयां किया शहीद अमित की माँ ने, जो दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए अपने लाडले के पार्थिव देह आने का इंतजार कर रही है। वहीं अमित के पिता खुद को संभालते हुए कभी पत्नी को हिम्मत बांधते हैं तो कभी बेटी को, जो आखिरी बार अपने भाई की झलक देखने के लिए दरवाजे की तरफ नजर लगाए हुए हैं। हमीरपुर के पूरे तलासी खुर्द गांव के अमित के पार्थिव देह के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर शहीद अमित का पार्थिव शरीर पैतृक गांव का पहुंचेगा, इसका अभी कुछ पता नहीं चल सका। जिला प्रशासन का कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, वहां मौसम बेहद खराब है। अमित के पिता विजय कुमार का कहना है कि 6 महीने पहले अमित के दादा की मौत हुई थी, 7 दिन पहले उसके दादी चल बसी। अब अचानक अमित की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुंपवाड़ा में हुए सड़क हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, इनमें हमीरपुर का अमित शर्मा भी शामिल है। वहां भारतीय थल सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट में कुंपवाड़ा के माजिल सेक्टर में तैनात था। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात बर्फीले इलाके में गश्त के दौरान उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक 1 शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।